दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं जब भी आपके मोबाइल में किसी का कॉल आए तो आपका मोबाइल खुद उस बंदे का नाम बताए। फॉर एग्जांपल, आप मेरे मोबाइल को देख सकते हो, मैंने इस मोबाइल के अंदर उस सेटिंग को करके रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, मेरे पास सेकंड फोन है और मैं अपने सेकंड फोन से इस मोबाइल के अंदर कॉल कर लेता हूँ, ताकि आप यहाँ पर जो है देख कर ये जान सको कि आखिर में ट्रिक है क्या। सलमान ब्रो का कॉल आ रहा है, सलमान ब्रो का कॉल आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब भी आपके मोबाइल में किसी का कॉल आएगा तो आपका मोबाइल खुद उस बंदे का नाम बोलकर बताएगा। तो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर इस सेटिंग को करना चाहते हैं, इस ट्रिक को यूज करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा, तभी जाके ये जो ट्रिक है आपके मोबाइल में एक्टिवेट होगा और फिर आप इसे यूज कर पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इस तरह के और यूजफुल वीडियोज को आगे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इस घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लो, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिले। मुझे नीचे कमेंट कर देना, कमेंट में आपको लिखना है नाइस वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने मोबाइल के अंदर इस सेटिंग को ऑन करना है, जिससे आपके मोबाइल में जब भी किसी का कॉल आएगा तो आपका मोबाइल खुद उस बंदे का नाम बोलकर बताएगा। तो आपको अपने मोबाइल में इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं ये रहा वो ऐप। इस ऐप का जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इस ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहां पर आपको क्लिक टू अप्रूव परमिशन का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, ये जो ऐप है ना, आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जो आपको दे देना है। परमिशन किस तरीके से देना है वो आप यहां पर देख लो, क्योंकि यहां पर मैं भी अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को सेटअप कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहां पर अलाउ करना है, देन यहां पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहां पर आपको कॉलर नेम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, ये जो ऐप है आपके मोबाइल में पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा, जो कि आप ध्यान से देखना। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कॉल्स, ऑडियो, एसएमएस। तो सिंपल आपको कॉल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहला सेटिंग करना है टाइम टू अनाउंस, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जिस भी बंदे का कॉल आए, आपका मोबाइल कितनी बार उस बंदे का नाम लेकर आपको बताए कि उसने आपको कॉल किया है। तो यहां पर आप सबसे पहले अपना यहां पर जो है नंबर चूज कर सकते हो, जैसा कि यहां पर मैं 5 टाइम रख लेता हूं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको नीचे से आफ्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर इसे कट कर देना है इस तरीके से, और यहां पर आपको लिखना है का कॉल आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अब आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, यहां से आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको स्पीच सिस्टम टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद यहां पर आप अपना जो स्पीच है वो टेस्ट कर सकते हो कि आपके मोबाइल में ये जो ऐप है वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहां पर आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सेट वॉल्यूम का जो ऑप्शन है, इसे आपको पूरा इंक्रीज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप अपने तरीके से जो है वॉइस को सेट कर सकते हो, कि वॉइस आपको पतला चाहिए या फिर मोटा चाहिए, वो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों, यहां से आपको बैक आ जाना है। अब यहां पर आप एक चीज देख लेना, अनाउंसिंग इज इनेबल होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में इस तरीके से डिसेबल किया हुआ रहता है तो ये ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट नहीं होगा, यानी कि काम नहीं करेगा। तो यहां पर आपको क्लिक करके इसे ग्रीन कर देना है, यानी कि अनाउंसिंग इज इनेबल, ये आपको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में ये जो ऐप है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, क्योंकि यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। वो सेटिंग क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहां पर आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपके मोबाइल में इस तरीके से फुल रहेगा, तो इसे आपको कम कर देना है, ठीक है। इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपके मोबाइल में जब भी किसी का कॉल आएगा तो आपका मोबाइल खुद उस बंदे का नाम बोलकर बताएगा। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरे मोबाइल में जब भी किसी का कॉल आता है तो मेरा जो मोबाइल है खुद उस बंदे का नाम बोलकर बताता है। बस आपको अपने मोबाइल के अंदर इस छोटी सी ऐप को डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऐप का यूज करके आप अपने मोबाइल में इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।